हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रॉपर्टी नैनीताल। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, ये है बेस्ट बजट प्रॉपर्टी जो कि नैनीताल से मात्र 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जिसमें आपको 1 BHK और 2 BHK फ्लैट मिलेंगे जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। और नैनीताल से डिस्टेंस की बात करूँ 12 किलोमीटर है, भवाली की जो मेन मार्केट है उससे 2 किलोमीटर, और जो कैची धाम मंदिर पड़ता है उधर से आपको 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फ्लैट मिलने वाले हैं। तो आइए, चलिए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ किस तरह के हैं। तो अब हम आ चुके हैं 1 BHK फ्लैट की ओर। काफ़ी अच्छा 1 BHK फ्लैट है, 2 वॉशरूम वाला फ्लैट है और मात्र 22 लाख रुपये में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। ये देख सकते हैं, इधर पर इसका किचन का एरिया दिया गया है। और इधर ही से हम चलते हैं इसके बेडरूम की ओर। यह है इसका बेडरूम, ऊपर वुडन रूफ का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इससे अटैच मिल जाएगा आपको एक वॉशरूम, ये बेडरूम से अटैच वॉशरूम है, ये बाहर का एरिया है। इधर के 2 वॉशरूम है इसमें। ये इसका बेडरूम हो गया, ऊपर देखिए काफ़ी अच्छा वुडन रूफ है इधर पर। और इससे ही आगे जाके अब हम चलते हैं इसके ड्राॅइंग एरिया पर। ये इसका ड्राॅइंग एरिया, इधर पर भी एक बेड लगाया है। और ये है इसका सेकेंड वॉशरूम जो ड्राॅइंग एरिया से अटैच है। और सामने दिखाता हूँ मैं इसकी बालकनी, इसकी बालकनी से काफ़ी अच्छा धूप, अच्छा व्यू आता है और धूप वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छी है। अब इसी के साथ हम चलते हैं 2 BHK फ्लैट की। और ये है 2 BHK फ्लैट जो मात्र आपको 28 लाख रुपए में मिलने वाला है। भवाली से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जो नैनीताल है वहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, इससे अटैच आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये है इससे अटैच वॉशरूम। और इसी से अब हम चलते हैं इसके, ये है इसका ड्राइंग एरिया, ये वॉशरूम है जो कॉमन प्लस अटैच है ड्राइंग एरिया। इसके बाद ये है इसका सेकंड बेडरूम, अभी लाइट नहीं जलाई है तो थोड़ा अंधेरा है, लाइट और पानी वैसे कोई दिक्कत नहीं है इधर पे। ये है इसका सेकंड वॉशरूम जो बेडरूम से अटैच है। और इधर पर मिल जाएगा आपको किचन, इसमें भी कबर्ड वगैरह सारे बने हैं और मात्र 28 लाख रुपये में आपको काफ़ी अच्छा बजट वाला फ्लैट मिलने वाला है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको 1 BHK, ये है 1 BHK का एक और फ्लैट। फ्लैट की अगर बात करूँ मैं, आस्किंग प्राइस 25 लाख है इसके, बाकी जो भी बातचीत रहेगी वो बैठ के हो जाएगी बिल्कुल। ये इसका किचन है और ये है इधर पे सोफ़ा कम बेड पड़ा है, देख सकते हैं आप, स्टेनलेस स्टील का काफ़ी अच्छा काम किया गया है इधर पर। और ये है इससे ड्राॅइंग एरिया से अटैच वॉशरूम, इधर पर इंडियन सीट लगी है, आप चाहे तो वेस्टर्न सीट भी इसमें लग जाएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इधर पे स्टेनलेस स्टील का सोफ़ा कम बेड काफ़ी अच्छा लगाया गया है इधर पे। और इसमें 2 बालकनी है, ये है इसकी फर्स्ट बालकनी, नीचे इसका सारा पार्किंग का एरिया है, देख सकते हैं नीचे सारा पार्किंग का एरिया है। और इसी से हम चलते हैं इसके बेडरूम की ओर। बेडरूम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बेडरूम लगाया इधर, किंग साइज़ का बेडरूम लगाया है और ये इन्होंने खुद बनवाया है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा बेडरूम बनाया है जिसमें 6 लोग आराम से सो सकते हैं। नीचे काफ़ी अच्छी टाइल्स का प्रयोग किया गया है और इधर पे वुडन अलमीरा होगी। और इससे सामने का व्यू देखेंगे आप, काफ़ी शानदार व्यू है टी गार्डन से, ये मात्र आपको 200 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ इसकी बालकनी की ओर, ये देखिए काफ़ी शानदार व्यू है इधर से, 200 मीटर टी गार्डन से है भवाली से, ये आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा और नैनीताल लेक से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा। काफ़ी अच्छा फ्लैट है, ये देख सकते हैं सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी पे है। और इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको सबसे रिजनेबल प्राइस में जो आपको मैं फ्लैट दिखाने वाला हूँ, ये है 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट और जो मिलने वाला है आपको मात्र 30 लाख रुपए में। इसमें भी 2 वॉशरूम है, देख सकता हूँ काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन कंडीशन में है। ये अभी सामान इसी तरह का पड़ा है, उधर पर सोफ़ा कम बेड और इधर पर सोफे, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, किचन का भी काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। ये है इसका बेडरूम, बेडरूम से भी अटैच आपको एक वॉशरूम मिलेगा और मात्र 20 लाख में आपको ये यूनिट मिल जाएगी, उसमें भी जो गुंजाइश रहेगी बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा इसमें, देख सकते हैं आप। ये है इसका सेकंड वॉशरूम, एक वॉशरूम ड्राइंग एरिया से अटैच है और एक वॉशरूम बेडरूम से अटैच है। और ये जो है बालकनी, अभी बाहर से लॉक की तो इसमें बालकनी दिखा नहीं पाया, मैं आपको खिड़की से दिखा देता हूँ। ये है, सो ये भी गेटेड सोसाइटी में है, लिफ्ट इसमें लगी हुई है